हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं गैप द सीरीज के एपिसोड 8 की स्पॉइलर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था सैम ने किर्क को बहुत मारा था उसकी एक भी बात ना सुनकर। कहानी में आगे मोन ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और किर्क जब सैम को समझाता है उसके और मोन के बीच कुछ भी नहीं है, तब सैम कुछ भी नहीं सुनती है। और किर्क जब देखता है ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज उसको देख रहे हैं, तब उसके बिना कुछ बोले ही सारे एम्प्लॉयज काम करने लग जाते हैं, ऐसे मानो जैसे उन लोगों ने कुछ देखा ही ना हो। फिलहाल किर्क मोन के सामने सैम के हाथ पकड़कर हंसने लगता है और फिर सैम के कान के क्लोज जाकर धीरे धीरे कहता है, आज वो बहुत खुश है ये देखकर। सैम उसके लिए जलस फील करती है और आज पहली बार ऐसा हुआ था सैम ने अपनी फीलिंग्स जाहिर किया था। सैम ये झेल नहीं पा रही थी कि किर्क मोन को लाइक करता है, जो सुनकर सैम सैड होकर चली जाती है। और सैम के जाते ही किर्क मोन को थैंक यू बोलता है, क्योंकि सिर्फ मोन के वजह से ही उसे आज पता चला था सैम किर्क से प्यार करती है। लेकिन मोन सोच रही थी कि उसने सैम को कभी भी इतना गुस्से में नहीं देखा और ना ही इतना वायलेंट होते हुए। और सबसे अच्छी बात तो ये थी, किर्क को ऐसा लग रहा था सैम उसके लिए जलस फील कर रही थी और इसलिए सैम ने उसे बहुत मारा, जबकि सैम ने मोन के वजह से किर्क को मारा था। लेकिन अगर किर्क को ये पता चला सैम और मोन रिलेशनशिप में है, तो वो उसको मुंह नहीं दिखा पाएगी। फिलहाल ऑफिस में सैम मोन से इतना गुस्सा थी कि ना तो वो मोन से बात कर रही थी और ना ही उसके तरफ देख रही थी। लेकिन मोन ये समझ नहीं पा रही थी सैम इतना वायलेंट कैसे हो सकती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, सैम को मोन पर ट्रस्ट ही नहीं था और इसलिए मोन डिसाइड करती है वो आज उसके पेरेंट्स के घर रहेगी। और तभी नोब कॉल करके मोन को बताता है वो मोन के ऑफिस के सामने है और उसने मोन के लिए एक चाइनीज केक खरीदा है जो नोब मोन को देना चाहता है। जो सुनकर मोन बहुत डर जाती है, क्योंकि मोन को ऐसा लग रहा था अगर सैम ने नोब को देख लिया तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेगी, क्योंकि किर्क की आधी बात सुनकर सैम बहुत वायलेंट हो गई थी। लेकिन फिर मोन खुद को ये कह के समझाती है वो और नोब सिर्फ दोस्त है तो उसे इतना डरना नहीं चाहिए। फिलहाल मोन जब नोब से पूछती है वो यहाँ पर क्यों आया है, तब नोब बताता है उसकी आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी यही पास में। अब क्योंकि उन दोनों में बात नहीं होता है इसलिए वो मोन से मिलने आ गया। और वैसे भी फोन से नोब को पता चला था मोन दो हफ्तों से सैम के घर में है, जो सुन के मोन हाँ बोलती है। और नोब जब पूछता है क्या मोन उसे कुछ बताना चाहती है, तब मोन ये समझ नहीं पाती नोब को वो बताएगी या नहीं। फिलहाल मोन कहती है बताने लायक कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो नोब जब पूछता है क्या वो और सैम रिलेशनशिप में है, तब मोन ये समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या बोलेगी और इसलिए वो चुप रहती है। अब क्योंकि ये सवाल पूछने पर मोन के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था, इसलिए नोब समझ जाता है कि वो और सैम रिलेशनशिप में है। और इसलिए वो मोन से फिर से वही सवाल करता है कि क्या मोन और सैम रिलेशनशिप में है। अब क्योंकि मोन चुप थी इसलिए नोब कहता है वो सब कुछ समझ गया है। जो सुन के मोन जब कहती है ये सच नहीं है, तब नोब कहता है यही सच है। और तभी उन दोनों के पीछे से एक आवाज आती है, क्या सच है। जो सुन के मोन जब पीछे मुड़ती है तब वो देखती है वो आवाज किसी और की नहीं सैम की है, और सैम बहुत गुस्से में उसे देख रही है। और फिर से जब नोब मोन से पूछता है सैम उसकी क्या है, तब सैम कहती है मोन उसकी गर्लफ्रेंड है। जो सुन के मोन को बहुत अजीब लगता है, लेकिन वो खुश भी थी क्योंकि आज पहली बार सैम ने उन दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को बताया था। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।